व्यक्ति है, और कुछ लोग जो बेल पे हैं वो भी जेल जाएंगे। चलो, जो हम बोलते थे कम से कम मांग तो ले कि मोदी जी ने देख लिया साजिश के तहत, ये तो डर है ना। अब बताओ, अब हमको डरा रहे हैं। पहले ही सोचे कि लालू जी पे केस मुकदमा करो, जेल भेजो तो लालू जी डर जाएंगे। अरे लालू जी डरे वाला है, इनके गिद्धर बप्पी से डरेंगे, हमारे और ये लोग जब लालू जी नहीं डरे तो ये लोग दूसरा उपाय क्या लगाया कि लालू जी के बाल बच्चों पे केस मुकदमा शुरू कर दो। अब कले प्रधानमंत्री जी आए, हम लोग को पूरा उम्मीद था, विश्वास था, चलो कैसनो हो, लेकिन एक होता है ना भाई प्रधानमंत्री आ रहा है तो कम से कम लेखा जोखा बताएगा 5 साल का। ना किसानों के बारे में बात की, ना नौजवानों के बारे में बात की, ना रोजगार दिलाने के बारे में बात की, ना किसानों का आय दुगुना करने के बारे में बात की, ना महंगाई पे बात की, ना बिहार को स्पेशल राज्य दर्जा देने की बात की, ना काला धन लाने वाले थे ना उसके बारे में बात की, ना स्मार्ट सिटीज के बारे में बात की, ना गंगा सफाई अभियान के बारे में बात की, ना बुलेट ट्रेन के बारे में बात की, तो केवल केवल लालू जी को गाली देना, हम लोगों को डराना धमकाना। अरे जब हमारे पिता नहीं डरे तो हम इस मंच से, हम आप लोगों से वादा करते हैं कि इन सांप्रदायिक शक्तियों से आखिरी सांस तक हम भी लड़ने का काम करेंगे, झुकने का नाम नहीं लेंगे, डरने का नाम नहीं लेंगे। अरे हर कोई पलटू चाचा होता है, सृजन घोटाले का डर था और कुर्सी का लालच था तो मार दिए पलटी, जहां देश का अपमान करके मुजफ्फरपुर बालिका गृह का डर था, सबका डर था, हमारा पलटू चाचा भारी डरपोक आदमी। देखो हम लोग तो पहले बचपन में सुनते थे कि गंगा मैया में डुबकी लगाइएगा तो पाप धुलता है, आज के भाजपा में चले जाएगा तो पाप धुलता है, और वही पाप धुलवाने हमारे पलटू चाचा गया, सृजन घोटाले का पाप, बालिका गृह मुजफ्फरपुर का पाप, धान घोटाले का पाप, शौचालय घोटाले का पाप, 40 ऐसे बड़े बड़े घोटाले हैं जिसका पाप धुलवाने का काम कर रहे। ये हमारे पलटू चाचा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमारे पलटू चाचा ने ठगा नहीं। बचपन में वो मूवी देखे थे चाची चाचू भी, आप देख रहे हैं चाचा चाचू भी। बताइए कोई काम नहीं किया बिहार में 4 साल में 4 सरकार, मतलब गवर्नर आओ जाना इस्तीफा देना, गवर्नर आओ जाना वो खिलाना, ऐसा 4 बार कर दिए भाई। अरे भाई स्थिर रहिएगा तब ना काम होगा, है कि नहीं? तो 4 साल में जहाँ 4 सरकारें होंगी वहाँ विकास संभव है। तो चाचा ने क्या काम किया, तो एक ही काम किया, वो है कि कागज पे शराबबंदी। देखो मेरा मानना है कि नशा मुक्ति पूरे देश में होनी चाहिए, समाज में होनी चाहिए, लेकिन आप लोग हाथ उठा के बताना कि शराब चालू है कि बंद है, हाथ उठा के बोले चालू है, होम डिलीवरी हो रहा ना, 200 रुपए का बोतल 1500 में, 3 गुना महंगा, 4 गुना महंगा, तो आप समझिए ये शराबबंदी नशा मुक्ति के लिए हमारे पलटू चाचा नहीं किए, ये गलत तरीके से धन को अर्जित करने के लिए पलटू चाचा ने शराबबंदी की। आप देखिएगा कि हमारे चाचा डिग्री के इंजीनियर ना है, इंजीनियरिंग वाला दिमाग लगाते रहते हैं, काला धन कैसे अर्जित किया जाए, तो बात समझिए, ये 200 का बोतल देखो कितना कलाकार है हमारे चाचा, 200 जिसकी कीमत थी उसको 1500 कर दिए कि नहीं कर दिए, और 200-1500 में कितने का अंतर है, 1300 किसके पॉकेट में जा रहा है।
देखो कितना बड़ा कलाकार है हमारे चाचा, वहां वही भी लेंगे। देखो हमने समाज के लिए कर दिया नशा मुक्ति, अब पीछे से माफियाओं के साथ सेटिंग। यही तो हमारे चाचा का यही टेक्निक हर चीज में रहता है। अभी मजदूरी मांग रहे, पिछला चुनाव में भी मजदूरी मांगे थे 2014 में, तो 31 सीट पर जमानत जब्त कर दी थी जनता। अरे पलटू चाचा, आप किस चीज की मजदूरी मांग रहे हो? सृजन घोटाले की बालिका गृह की या 40-40 घोटाले की? तो आप देखिए, ये पूरी तरीके से उन्होंने बिहार को बर्बाद कर देने का काम किया। हमको ज्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन हमको तर्क बिहार पुलिस पे आता है। और सबसे ज्यादा हमको हमदर्दी भी बिहार पुलिस के साथ। आप बेचारे यहाँ जो खड़े हैं, ये बेचारे गरीब लोग, ये इनको तो जो आदेश आएगा वहां डंडा उठा करके चल देंगे। इनकी गलती थोड़ी ना है, ये तो पलटू चाचा का क्यों तरस आता है? पुलिस का क्या काम होना चाहिए? बलात्कारियों को पकड़ो, मर्डरर को पकड़ो, क्रिमिनल को पकड़ो, किडनैपर को पकड़ो। तो बिहार का पुलिस इसी काम में लग गया कि ढूंढो ढूंढो रोए मारको मारको ये शराब पिया है। तो अपराध बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा अपराध बिहार में। कोई अपराधी तो मस्त है, क्योंकि उसको पकड़ने वाला शराबी को पकड़ने में पस्त है। इसलिए आप लोग बात को समझिए, इन्होंने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। ऐसा कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होता जहां हमारे पलटू चाचा आरसीबी डैश ले लेते। हमको तो ज्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन मोदी जी अगर आएंगे इधर के ही प्रचार में, तो आप लोग मुद्दे की बात करना, मुद्दे की बात करना, रोजगार की, रोजगार, किसान, गरीबी, महंगाई, विकास, नौजवान, शिक्षा, स्वास्थ्य, 15-15 लाख रुपया। अब बोल रहे हो क्या मोदी जी, हमने के पास तो डिग्री था, आप पकौड़ा बोला था छाने। अरे हम तो कहते हैं हम पकौड़ो छाने के लिए तैयार है, अगर घर में गरीबी है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अगर रोजगार नहीं मिले तो हम तो पकड़ो ना छा लेंगे। तो मोदी जी को हम तो कहते थे कि कम से कम बोलिए करा दीजिए, 15 लाख में से 1-2 लाख रुपया कम से कम पकड़ो, अगर ठेला तो खोल देगा। लेकिन कहा कुछ किए। लेकिन आप बताओ, जब साल में 2 करोड़ लोग जब पकौड़ा बेचेंगे तो पकड़वा के खाएगा? साल में 2 करोड़ यानी 5 साल में 10 करोड़, यानी हर घर पकौड़ा बनाने। तो दुकान चली कहां से चलेगा भाई? ये लोग ठग लोग है, ठग लोग है। मोदी जी की सारी राजनीति जो है वो बनावटी, दिखावटी और मिलावटी है। आज तक हमने पिछला चुनाव में क्या थे? चाय वाला है ना, आप हम ना, सुनो सुनो, हम कह दे कि हम इंडिया को वर्ल्ड कप जिता के लाए या ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत के लाए, मान लोगे? नहीं ना, सबूत मांगोगे ना? तो प्रधानमंत्री जी बोले कि वो चाय बेचते थे, तो चलो सबूत दे दी, लेकिन हम खुद ढूंढने लगे ऑनलाइन, इंटरनेट पे, गूगल पे, इधर उधर, पत्रकारों से इधर उधर कि भैया चाय कब बेचते थे, जरा फोटो हुआ दिखा दीजिए। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, जब ये फोटो ढूंढ रहे थे तो हमको मोदी जी का 5 साल के जब बच्चे थे तब का फोटो मिला। अब बताओ उस जमाने में कोई चाय बेचने वाले का बेटा स्टूडियो में फोटो खींचा सकता था? लेकिन उस समय उनका फोटो था, हर विदेश घूमते हुए, अमेरिका घूमते हुए जवानी का फोटो मिला उनका, हर तरीके का फोटो मिला, लेकिन चाय बेचते वाला फोटो नहीं मिला। अब बन गया है चौकीदार,
तो चौकीदार जी एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, अगर आप अपने आप को चौकीदार बोलते हो तो ये समझो कि देश और बिहार की जनता थानेदार है। थानेदार आपने जो गलती करने का काम किया है चौकीदारी में, थानेदार छोड़ेगा नहीं, बख्शेगा नहीं, बल्कि सजा देने का काम करेगा। नोटबंदी याद कीजिए, पूरा देश का पैसा बैंक में जमा हो गया, पूरे भारत का पैसा बैंक में जमा हो गया। और आश्चर्य की बात है कि मोदी जी का बिरादरी का लोग, ललित मोदी, नीरव मोदी, ये सब जितने लोग हैं विदेश लेकर के पूरा पैसा लेके भागे। हम मोदी जी क्या करते रह गए, कोई काम नहीं। तो देखिए हमारे पास समय नहीं है, और भी जाना है, और भी जगह है। इसके बाद आखिरी प्रोग्राम छपरा में है, वहां भी जाना है। तो हम इतना ही आप लोगों से कहेंगे कि आप लोग संभाल करके रहिएगा। ये भाजपा वाला लोग कुछ करा सकता, जब ये लोग मुद्दा काम की बात नहीं करेगा क्योंकि इनके पास जवाब ही नहीं है, कोई काम ही नहीं किया, तो लोग हिंदू मुसलमान दंगा फसाद कराने लगेगा। एगो चुटकुला है, एगो चुटकुला ये है कि राम जी और सीता जी स्वर्ग में थे और राम जी को हिचकी आता, तो सीता मैया पूछती है राम जी से, प्रभु हिचकी काहे आया, तो राम जी बोलते लगता चुनाव पास में है, बीजेपी याद कर। तो ये लोग उस प्रकार के लोग हैं, तो इस संभाल कर ये रहिएगा। और इस बार चुनाव में पिताजी नहीं है, आप जो कुछ है आप ही लोग हैं, हमारा आप ही हमारे घर के लोग हैं। तो लालू जी को न्याय दिलाइएगा कि नहीं दिलाइएगा, दोनों हाथ उठा के कहते न्याय कैसे मिलेगा लालू जी को, बाबू जी आपको लालटेन पर बटन दबा करके जिताइएगा, तब जाकर के लालू जी को न्याय मिलेगा और देश का संविधान बचेगा। इसलिए आशीर्वाद है ना मेरे ऊपर, पक्का मेरे सरदारा लगाइएगा। लेकिन जितने लोग हैं सब साथ देंगे, अब दोनों हाथ उठा करके देंगे, हम बोलेंगे भाजपा भगाओ, आप लोग कहिए एडवांस, तो हम बोलते हैं बुलंद आवाज से बोलिएगा भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। पार्टी चलता है, ज्यादा जोरदार होना चाहिए, हम बोलेंगे पट्टू चचा भगाओ, सब होशियार है, पट्टू चचा भगाओ, पट्टू चचा भगाओ, पट्टू चचा भगाओ, लोजपा। तो आप नहीं बोलो, अब यहाँ से लोजपा लड़े तो इन लोगों को सबक सिखाइए अच्छे से, दादा कुछ नहीं कहेंगे, तो आप लोग कीजिए। तो आप लोगों का अनुमति हो तो भगवान जी को विजय के माला भेंट कर दे। देखिए हमको तो पहले से कॉन्फिडेंस था कि भगवान जी का तो कोई लड़ाई ही नहीं, और यहाँ से एकदम भारी से भारी मतों से जीत करके जाएंगे। तो आप सब लोगों को एक बात कह के हम अपनी बात को समाप्त करेंगे, कि जब जय पिताजी जा रहे थे तो हम उनके साथ थे, तो हम निराश थे, दुखी थे, तो पिताजी ने एक बात बोला कि बेटा दुखी मत होना, निराश मत होना, जब भी दुखी निराश हो गए तो सीधे अपने मालिकों के बीच चले जाना। तो आज हम अपने मालिकों के बीच आप सब लोगों के बीच आए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको न्याय दीजिएगा। हम यही अपनी बातों को समाप्त करते हैं और